कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है। शौक को पूरा करने के लिए इंसान अपने विचारों से भी समझौता कर लेता है। इसी शौक की वजह से आजकल फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद विवादों में हैं और इस विवाद की वजह है उनका अपने बालों से प्रेम। ओलांद के बालों की कटिंग और देखरेख का एक महीने का खर्च सोचिए 7 लाख रुपए से ज्यादा है और ये खर्च सरकारी पैसों से पूरा होता है और वो भी तब जब उनके सिर पर ज्यादा बाल नहीं बचे। ये है फ्रांसवा ओलांद, फ्रांस के राष्ट्रपति। इनके सिर की तरफ गौर से देखिए, सिर के सामने के बाल उड़ चुके हैं, सामने से चांद चमकती नजर आती है। मतलब ये कि अगर इन्हें आधा गंजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति के सिर पर इतने कम बाल बचे हों, उसकी हेयर कटिंग और बालों की देखरेख का खर्च कितना होगा? आपका जवाब होगा कम से कम उससे तो कम ही होगा जिसके सिर पर लहलहाते बाल हो। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति के बालों की देखरेख का खर्च एक महीने में 7 लाख रुपए से ज्यादा है। चौंक गए ना? ओलांद के सिर में ज्यादा बाल नहीं बचे हैं, लेकिन उनके हेयर स्टाइल के शौक में कोई कमी नहीं आई। ओलांद ने सरकारी खर्चे पर बालों को संवारने के लिए हेयर ड्रेसर रखा है। ओलांद के हेयर ड्रेसर ओलिवर बी की महीने की सैलरी 7,15,000 रुपए है। हेयर ड्रेसर को 5 लाख यूरो में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, यानी 5 साल में करीब 3,72,000 रुपए बालों पर खर्च होंगे। हेयर ड्रेसर बालों को संवारने के लिए 24 घंटे उनके साथ रहता है, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो या विदेशी दौरा हो। ओलांद के हेयर ड्रेसर की सैलरी का खुलासा फ्रांस के वीकली न्यूज़पेपर ले कानार एंशने ने किया है। इसके बाद से ही पूरे देश में उनकी आलोचना शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी उनका मजाक बनाया जा रहा है। फोटोशॉप करके ओलांद को अलग अलग बालों के विग में दिखाया जा रहा है। तरह तरह के कॉमेंट्स भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। एक यूजर ने लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हेयर ड्रेसर को कितने भी पैसे दे दो, हवा चलेगी तो बाल उड़ने से रोक नहीं पाओगे। एक ने लिखा, ओलांद हेयर ड्रेसर को एक बाल के बदले 1 यूरो दे रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, बाल नहीं है तो 7 लाख का खर्च है, होते तो 70 लाख होता। C'est affolant, 9 800 € pour une coupe de pour se couper les cheveux. Non mais c'est atroce, c'est une honte. Surtout ça coupe 2 cheveux en plus. Hein. Non franchement, atroce. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de travail à faire quand même. Hein. À part la coloration peut-être, mais ouais, non, je trouve ça un peu abusé quand même. Je trouve que son coiffeur a beaucoup de chance. J'aimerais bien les gagner moi aussi. Déjà si j'ai gagné dans l'année, ce serait bien. Et je trouve que nos impôts sont bien mal utilisés pour le coup. फ्रांस के लोग उनकी तुलना पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी से कर रहे हैं, क्योंकि सरकोजी अपनी शान और शौकत के लिए दुनिया में काफी मशहूर रहे हैं। ओलांद जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने खुद को आम लोगों का राष्ट्रपति बताया था, लेकिन अब लोगों का कहना है कि ओलांद अपने वायदों से दूर हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।